नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप प्रधान है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन में अगर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा तक देखना। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट किस तरह लिंक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर ली है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे बैंक बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है इस पर हमें क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो बैंक है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो पॉपुलर बैंक है वो सब यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई बैंक, जैसे मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे कहीं भी नहीं है वो, तो ऊपर यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं PUN। ठीक है, तो PUN भी लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस पे पंजाब नेशनल बैंक पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में जिस नंबर से हमने यहाँ पे अपना फ़ोन पे अकाउंट बनाया था वो नंबर यहाँ पे आ चुका है। उस नंबर से ही आपको फ़ोन पे अकाउंट बनाना होगा जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पे जो हमारा अकाउंट, जिस नंबर से हमने फ़ोन पे अकाउंट बनाया था वो नंबर यहाँ पे है, और वही नंबर हमारा पंजाब नेशनल बैंक पे लगा हुआ है। तो इसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा इस नंबर से मैसेज जाएगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक को, और पंजाब नेशनल बैंक को मैसेज जाएगा तो यहाँ पे हमारे 150 रुपये कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा यहाँ पे मैसेज आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक है वो फ़ोन पे एप्लीकेशन में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर है, ये हमारा इजीली ऐड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे ऐड होने के बाद में आप देख सकते हैं आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और वीडियो को देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भीम UPI आपको पिन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी बैलेंस आप किसी को भेजेंगे और या रिसीव करेंगे वो यहाँ पे भीम UPI से होगा। कोई भी रिचार्ज करना होगा, मोबाइल रिचार्ज या कहीं भी आप यहाँ पे पैसे का लेन देन करेंगे, सब भीम UPI, और जो 6 डिजिट का पिन आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक बनाना पड़ेगा। तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे सेट UPI पिन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखते हैं डेबिट ATM कार्ड नंबर, उसके लास्ट के आपको 6 अक्षर यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं लास्ट के 6 अक्षर डाल लेता हूँ, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी हमें यहाँ पर डालनी होगी। ठीक है, मंथ और ईयर, तो फटाफट से हम यहाँ पर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों चीज़ हमने डाल ली। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब ये यहाँ पे लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा जो OTP है हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा, और से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा OTP का वेट, हमें OTP आ चुका है, इतने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। और नीचे आप देख सकते हैं एंटर ATM पिन, यानी जब ATM में आप पैसे निकालते हैं वो पिन आपको डालना होता है ना ATM कार्ड का, वो पिन यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, और इसे सेफली डालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आराम से डाल देते हैं। इस पर हम यहाँ पहले क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमारा जो ATM पिन है वो यहाँ पे डाल देंगे। ये ATM पिन किसी को बताना नहीं चाहिए, बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है। ठीक है, नहीं तो आपका पूरा बैंक खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ATM पिन तो डाल दिया। अब यहाँ पे सेट UPI पिन, यानी आपको एक ऐसा पिन बनाना पड़ेगा जिसे आपको बार बार, अगर आप कोई मोबाइल रिचार्ज करेंगे इस फ़ोन पे एप्लीकेशन से तो भी आपको ये पिन देना होगा, अपना बैलेंस चेक करेंगे तो भी आपको ये पिन देना होगा, कि किसी को बैंक में पैसे भेजेंगे अपने बैंक से दूसरे की किसी के बैंक में पैसे भेजेंगे तो भी आपको ये भरना होगा। तो ज़्यादा कोई हार्ड आपको ये नहीं देना है, आपको बार बार मतलब इजी आपके याद रहे, और इतना आसान भी आपको नहीं देना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं देना है कि ये किसी को भी पता चल जाए। तो इसे हम फटाफट से ऐसा दे देते हैं जो सिर्फ हमें ही याद रहे। तो 600 रुपये का ये होता है UPI पिन, इसे हमने यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद दोबारा कन्फर्म हमें दोबारा से डालना पड़ेगा इसे। ठीक है, और दोबारा से डालने के बाद यहाँ पर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रहा है, और हमारा जो भीम UPI पिन है वो सेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे डोंट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा पूरा कार्य जो हमारा है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे डोंट पे क्लिक करेंगे, डोंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एक मैसेज भी हमें यहाँ पे आ गया है कि सक्सेसफुली आपका UPI पिन भी
हो चुका है और आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुका है। तो बैंक बैलेंस यहाँ पे हम क्लिक करके अपना बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पंजाब नेशनल बैंक, इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारा इस अकाउंट में जितना बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बैलेंस चेक करने से पहले आपको जो अपने UPI जो 6 डिजिट का पिन आपने बनाया था वो यहाँ पे आपको डालना होगा, एंटर UPI पिन, ठीक है। इसे डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस भी इसने बता दिया, ठीक है। तो अगर कोई रिचार्ज भी करेंगे तो भी आपको UPI पिन डालना होगा, तो इसे कभी भूलना मत, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे फ़ोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।